ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एबीपी गंगा की टीम भी इस काफिले के साथ साथ चल रही है और वो तस्वीर आपको दिखा रही है जिस वैन में अतीक अहमद को लेकर जाया इस वक्त जा रहा है उन इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और जैसा कि मोइन ने बताया कि हर चप्पे चप्पे पर कोशिश की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि कहीं भी इस काफिले को ना रोका जाए क्योंकि सफर काफी लंबा रहने वाला है और परसों तक यानी कि 28 मार्च तक हर संभव कोशिश की जाएगी कि अतीक अहमद को सही सलामत प्रयागराज पहुंचाया जाए। और इसलिए भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बड़ा सुरक्षा बल है वो लगाया गया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। और देखिए अतीक अहमद को लेकर अब जो काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और जिन जिन राज्यों से होकर ये काफिला गुजरेगा वहां से भी जो लोकल पुलिस है उसकी मदद ली जाएगी। जैसे अभी यहाँ से साबरमती जेल से लेकर ये काफिला निकल चुका है तो गुजरात पुलिस की मदद ली गई है, बॉर्डर तक गुजरात पुलिस की जो टीम है वो इस काफिले के साथ साथ चलेगी, उसके बाद जो दूसरा बॉर्डर लगेगा दूसरे राज्य का वहां से जो पुलिस है उसकी मदद ली जाएगी। तो माफिया डॉन अतीक अहमद जेल से बाहर निकल चुका है, काफिला रवाना हो चुका है और अब सड़क मार्ग से प्रयागराज माफिया अतीक अहमद को लेकर आया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए ये वही वाहन, आपको बार बार ये वही वाहन दिखा रहे हैं जिसमें अतीक अहमद इस वक्त मौजूद है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को भी आसान किया जाए ताकि जो काफिला है उसे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके क्योंकि लंबा सफर है, 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा का ये सफर है जो तय करना है यूपी पुलिस को अतीक अहमद के साथ में और इसलिए किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, देरी ना हो, इसलिए तेजी के साथ इस काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को भी आपने देखा चप्पे चप्पे पर तैनात है, जहां पर भी ट्रैफिक है वो देखा जा रहा है, ट्रैफिक को हटाया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है ताकि आसानी के साथ इस काफिले को आगे बढ़ाया जाए। एबीपी गंगा भी लगातार आपको कोशिश कर रहा है ये तस्वीरें दिखाने की, सबसे पहले तस्वीरें अतीक अहमद से जुड़ी इस पूरी यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाने की सबसे पहले आपको दिखा रहा है। सुबह से लेकर कैसे हलचल थी जब यूपी पुलिस की टीम पहुंची थी साबरमती जेल अतीक अहमद को लेने की, उसके बाद तमाम औपचारिकताएं की गई, काफी समय का वक्त भी लगा लेकिन आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब अतीक अहमद जेल से बाहर निकला और अब यूपी पुलिस की टीम उसे लेकर रवाना हो चुकी है। ये दो वाहन आप देख रहे हैं, उससे आगे भी आप देख सकते हैं यूपी पुलिस की टीम है, यूपी पुलिस के जो कर्मी हैं वो भी लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है बड़ी संख्या में, सबके फोन्स ले लिए गए हैं ताकि लोकेशन को ट्रेस ना किया जाए और कहीं ना कहीं जो अभी रूट रहने वाला है अतीक अहमद के काफिले का, कैसे उसे प्रयागराज लेकर जाया जाएगा, कौन से रूट से लेकर जाएगा वो अभी गोपनीय रखा गया है। और चलिए मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए, मोइन देखिए सड़क मार्ग के जरिए अतीक अहमद को लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनौती भी पुलिस कर्मियों के सामने रहने वाली है कि कैसे अतीक अहमद को लाया जाए और कैसे अच्छे से लाया जाए उसे, क्योंकि देखिए तमाम संभावनाएं जताई गई थी, इससे पहले हमने देखा उनके परिवार की तरफ से, उसके बाद विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कहीं ना कहीं एनकाउंटर को लेकर, तो इन चुनौतियों के बावजूद भी पुलिस के सामने चुनौती रहने वाली, कैसे सही सलामत अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाए। देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाल तो लिया है, उसकी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब उसको किस तरीके से सुरक्षित प्रयागराज लाया जाए, यहाँ पर पेशी कराया जाए और यहाँ पर पेशी कराए जाने के बाद उसे सुरक्षित वापस साबरमती जेल में फिर से दाखिल किया जा सके। निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 4 दिनों का वक्त लगना है। आज साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है, कल रात तक यहां पहुंचने की उम्मीद है, परसों यानी 28 मार्च को पेशी होनी है और पेशी के बाद अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल में दाखिल भी किया जाना है क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिर्फ उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था साल 2006 में उस केस में सजा सुनाए जाने के लिए दरमियान ही अतीक अहमद को यहाँ कोर्ट में रखा जाएगा, उसके बाद वापस उसे साबरमती जेल भेजा जाना है। तो जितनी बड़ी चुनौती अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने की है उससे कम चुनौती प्रयागराज में सुनवाई पूरी होने के बाद, फैसला आने के बाद साबरमती जेल में दाखिल करने की भी नहीं होगी। तो एक तरफ तो ये चुनौती है कि लाना है और दूसरी तरफ ये भी चुनौती है कि वापस साबरमती जेल में दाखिल भी करना है। तो सुरक्षा को लेकर यही वजह है कि सब कुछ इतने गोपनीय तरीके से किया गया कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भनक नहीं लगी, जो तमाम वकील हैं इस केस से जुड़े हुए, जो DGC हैं यानी जो जिला शासकीय अधिवक्ता हैं उन तक को जानकारी नहीं दी गई और बहुत गिने चुने लोगों को इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी, सब कुछ इतने गोपनीय तरीके से हुआ ताकि अतीक अहमद और उसका जो परिवार है, उसके जो वकीलों की फौज है वो कोर्ट में ना जा सके, ऊपर की अदालत में इस फैसले को चुनौती ना दे सके। और रविवार का दिन आज भी बहुत बड़ी है क्योंकि रास्ता इतना लंबा है, 1300-1400 किलोमीटर का सफर है और ऐसे में अतीक को सुरक्षित तरीके से प्रयागराज की जेल तक पहुंचाना ये अपने आप में एक बहुत
बहुत बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा पुलिस प्रशासन के सामने। लेकिन मोइन ये भी जानकारी मिल रही है कि दो दिन पहले एसटीएफ का गठन किया गया था, यहां तक कि उस टीम को भी ये जानकारी नहीं थी कि उनको अतीक को वहां से लेकर आना है, यानी कि टॉप सीक्रेट मिशन था। मोइन देखिए, सब कुछ इतने गोपनीय तरीके से किया गया कि प्रयागराज पुलिस में जो बड़े अधिकारी हैं तमाम, उन तक को खबर नहीं दी गई। सिर्फ ये तीन लोगों को, तीन बड़े जो अधिकारी हैं उनको ये जानकारी थी। एक टीम गठित की गई, टीम को कहाँ जाना है, क्या करना है, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई और उन्हें चुपचाप कहा गया सबको मोबाइल फोन अपने बंद कर देने हैं। तो मोबाइल फोन लगातार जो भी इसमें कांस्टेबल हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं उनके बंद है, सिर्फ जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उनके मोबाइल फोन ऑन है और उन सबको सिर्फ ये हिदायत दी गई है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। सिर्फ प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर रवित शर्मा हैं, वही कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो जिस तरीके का निर्देश देंगे उसी निर्देश को फॉलो करना होगा। तो जो पुलिस कमिश्नर हैं, इसके साथ साथ लखनऊ में बैठे हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी, सिर्फ ये तीन पुलिस अधिकारी ही जो है इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। पल पल की रिपोर्टिंग उन तक हो रही है और जिस तरीके का निर्देश देंगे उस तरीके की कार्रवाई, उस तरीके की प्रक्रिया आगे जो टीम लेने गई है वो करेगी। तो अभी तक किस रास्ते से लाया जाएगा इसे साफ नहीं किया गया है। हालांकि जो ज्यादा संभावना इस बात की है कि गुजरात की साबरमती से निकाल करके अतीक अहमद को राजस्थान बॉर्डर पर एंट्री कराई जाएगी, वहां सबसे पहले उदयपुर, फिर चित्तौड़, फिर गढ़, फिर कोटा, उस रास्ते से होते हुए जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया है वहां दाखिल कराया जाएगा। बुंदेलखंड में सबसे पहले अतीक अहमद को झांसी लाया जाएगा, झांसी के बाद बांदा और बांदा के बाद जो है वो प्रयागराज लाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।